अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नजीब अमीर और आप देख रहे हैं AH मैथ अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे FSC पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 और उसका जो है फर्स्ट टॉपिक सेट्स। आज हम सेट्स को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, उनकी टाइप्स देखेंगे, उनके मेथड देखेंगे कि कितने मेथड से जो है सेट्स को बयान किया जाता है, और फर्दर उसके डिफरेंट टाइप्स के सेट कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 2 है, उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है सेट। तो सेट की सबसे पहले मैं डेफिनेशन यहाँ लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी चीज़ों का मजमुआ जो कि वाजिया भी हों और रिपीट भी ना हो रही हों, ऐसी चीज़ों को हम का जो मजमुआ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट बना देते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, सेट 1, 2, 3, 1, 4। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, 1, 2, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें रिपीटिशन आ रही है। ये तो हो गया डिस्टिंक्ट के लिए। अब वेल डिफाइंड के लिए क्या होता है, वेल डिफाइंड के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आई लाइक एप्पल, मैं कहता हूँ कि मुझे आम पसंद है, एक ऐसा सेट बनाते हैं आई लाइक एप्पल। तो अब ये कह दें कि एप्पल जो है ये बहुत ही मज़ेदार फ्रूट है, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें एप्पल बिल्कुल ही पसंद ना हो, हर एक का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए ऐसी बातें जिनमें कन्फ्यूजन हो, जो क्लियर ना हो, तो हम कह देंगे कि वो चीज़ें भी सेट के अंदर नहीं आती। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी चीज़ें जो वेल डिफाइंड भी हों, यानी जिन्हें वाजिया किया जा सके, जो वाजिया हों और एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, वो क्या बनाती हैं, सेट्स बनाती हैं। मैं यहाँ एक सेट बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट ऑफ वॉवल्स। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के जो है आप सेट बना सकते हैं। ये सेट को बयान करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेट की तरफ आते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स जो हैं, सेट को बयान करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, इन दिस वे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, इन दिस वे वी डिस्क्राइब अ सेट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। सेट को बयान करने के इस मेथड में हम सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वर्ड्स की मदद से। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऊपर उसकी एग्जांपल दी है, इसको लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स का जो सेट है इसको हमने क्या लिख दिया, वर्ड्स के अंदर लिख दिया, सेट ऑफ वॉवल्स। तो स्टूडेंट, ये जो मेथड है, इस तरीके से जितने भी सेट जो है डिफाइन किए जाते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी कि बयानिया तरीका। इसमें हम बयान करके बता देते हैं कि ये एक सेट है, कुदरती अदात का सेट, मुकम्मल अदात का सेट, दरियाओं का सेट, इस तरह जो है जितने भी बयानिया सेट होते हैं वो क्या किस में आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड में आ जाते हैं। अब आते हैं टेबुलर मेथड की तरफ। टेबुलर मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी सेपरेट द मेंबर ऑफ सेट विद कॉमास। स्टूडेंट, टेबुलर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेट के मेंबर होते हैं, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कॉमास की मदद से अगर हम सेपरेट कर दें, तो इस तरीके कार को हम कहते हैं टेबुलर मेथड। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह के जितने भी सेट्स होंगे, सेट्स ऑफ वॉवल्स,
ऐसे सर जिनको कॉमास की मदद से सेपरेट किया जाता है वो कौन सा मेथड होता है? टेबुलर मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास सेट टेबुलर मेथड। स्टूडेंट सेट टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं, सिंबल्स को यूज करके सेट को डिफाइन करते हैं। इन दिस मेथड वी डिफाइन अ सेट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यही सेट आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम कैसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और क्या होना चाहिए x जो है वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन आ गई। यानी इस तरीके में जितने भी सेट लिखे होंगे वो कौन सा होगा आपके पास मेथड, सेट बिल्डर मेथड। यानी इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सैम्पल्स यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा सेट को बयान करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं बयानिया तरीका जिसमें हम बयान करके बताते हैं सेट्स को, जैसे कि सेट्स ऑफ वावल्स, यहाँ पर मैंने कोई कॉमास वगैरह या ब्रैकेट यूज नहीं की। दूसरा है टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड में क्या काम कर रहे हैं आपने, इन दिस मेथड वी सेपरेट द मेंबर ऑफ सेट विद कॉमास। इसमें जो सेट के एलिमेंट होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको हम कॉमास की मदद से अगर अलग अलग करके लिख दें तो देन ये मेथड क्या कहलाएगा, टेबुलर मेथड कहलाएगा। थर्ड मेथड कौन सा था, सेट टेबुलर मेथड, सेट टेबुलर मेथड। इस मेथड में स्टूडेंट हमने क्या करना है, सिंबल यूज करके सेट बनाना है। तो हमने यहाँ इसी सेट को जो ऊपर लिखा हुआ था मैंने नीचे सिंबल की मदद से लिख दिया है, किसने लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 3। तो इस फॉर्म में जो सेट होगा वो कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर मेथड की मदद से बयान किया गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और सेट्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अब है हमारे पास एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। द सेट इन विच नो एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। हम इसे इस नोटेशन से भी जाहिर करते हैं, इसे हम कहते हैं फाई, और हम इसे इस नोटेशन से भी मेंशन करते हैं। ये दोनों नोटेशन जो है एम्प्टी सेट को शो करती हैं। एम्प्टी सेट कह लें या आप इसे कह लें नल सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट। तो ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये 0 आ गया, ये हमारे पास आ गया, कोई भी आप जो है एलिमेंट जो है वो लिख सकते हैं। ये जितने भी सेट्स हैं ये कैसे सेट हैं, सिंगलटन सेट हैं। और इसकी क्या डेफिनेशन है कि ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो। द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कितने सेट एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, if and only if a is equal to b। देखिए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, टू सेट्स a एंड b इक्वलिटी के लिए दो या उससे ज्यादा सेट होना लाजमी है। a और b दो सेट हों, इक्वल कब होंगे, if and only if a और b आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और इसके हैं 3, 2, 1। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास b सेट है, लिख देता हूं ये बी सेट। ए सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 हैं और बी सेट के एलिमेंट भी 3, 2, 1 है। ए सेट के कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट आ रहे हैं। बी के कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, इसके भी 3 हैं। तो दोनों एलिमेंट, दोनों सेट्स में एलिमेंट की तादाद क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखें क्या ए सेट के तमाम एलिमेंट बी सेट में मौजूद हैं, ए के तमाम एलिमेंट बी के एलिमेंट भी हैं, बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे
इक्वल सेट्स, यानी ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट की तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट भी एक जैसे हो, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। अब इसी से एक थोड़ी सी मिलती जुलती है इक्विलेंट सेट, द सेट ए एंड बी आर इक्विलेंट इफ एंड ओनली इफ वन वन करस्पोंडिंग बिटवीन देम। यानी इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं, कोई से ए और बी दो सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट होंगे अगर उनके दरमियान वन वन की करस्पोंडिंग हो। वन वन की करस्पोंडिंग मीन का मतलब ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आ गया वन टू थ्री फोर, ये ए सेट बना लिया हमने, ये बी सेट बना लेते हैं, इसके एलिमेंट पर रख लेता हूँ ए बी सी डी। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ए सेट के कितने एलिमेंट हैं, फोर, बी के कितने एलिमेंट हैं, फोर, दोनों के एलिमेंट की तादाद तो सेम आ गई, लेकिन क्या देखें कि क्या एलिमेंट सेम भी हैं, ये नहीं, ये वन टू थ्री फोर है, ये क्या है ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेट हैं और ये काउंटिंग है, नंबर्स तो एक जैसे हैं लेकिन क्या है कि ये एक जैसे एलिमेंट नहीं है, यानी अगर इनकी मैपिंग करें तो वन के साथ वन करस्पोंडिंग बन रही है, एक के साथ एक एलिमेंट, किसी का कोई एलिमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम नहीं है, इक्वल हैं लेकिन सेम नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट, बिल्कुल सिंपल सा है, द सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर्स और वैल्यूज, यानी फाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जिसकी जो एलिमेंट हैं वो लिमिटेड हो, वो हमें पता हो, उनका एंड कहाँ पर हो रहा है वो हमें पता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, ये फाइनाइट सेट आ गया हमारे पास, सेट ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, ये ऐसे सेट हैं जो फाइनाइट हैं, तो पाकिस्तान में जो ट्रीज जितने भी हैं वो फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट नहीं है, उन्हें गिना जा सकता है, और ये हमारे पास कुछ इवन नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, ये भी काउंटेबल हैं, तो जो भी काउंटेबल होती हैं जिन्हें आसानी से जिसका एंड हमें पता हो इसके लास्ट पर क्या आना है या जिन्हें आसानी से काउंट किया जा सके, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिन्हें काउंट ना किया जा सके, जिसके एंड का हमें ना पता हो कि लास्ट पर क्या है, इसकी डेफिनेशन द सेट विच कैन नॉट हैव एन एंड, विच कैन नॉट हैव एन एंड, ऐसे सेट जिसके एंड का हमें पता ही ना हो कि ये कितने हैं, और नॉट काउंटेबल, और नॉट काउंटेबल, या जिन्हें गिना ना जा सके, सॉरी मैं इसकी स्पेलिंग से लिख देता हूँ सी ओ, और नॉट काउंटेबल, यानी ऐसे सेट जिसके एंड का हमें ना पता हो या फिर उन्हें आसानी से गिना ना जा सके, जिनकी गिनती पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। तो इसको मैं ये लिख देता हूँ 1, 2, 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी इनफाइनाइट हैं, सेट ऑफ होल नंबर ये भी इनफाइनाइट हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के दरमियान कितने रेशनल नंबर हैं वो भी हमें नहीं पता, बहुत सारे अनकाउंटेबल आ जाते हैं, तो उसे भी हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो दोस्तों ये आपके पास इंट्रो आ चुका है सेट का, उसके कुछ हमने टाइप्स मेथड डिस्कस किए, कुछ सेट्स हमने देखे, उनको जो है ना उनको एग्जाम्पल्स की मदद से उनको हल करके देखा, सॉल्व किया, तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो है समझ आ चुका होगा।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।